सकते? नहीं भाई, बिल्कुल अपनी फीस निकाल सकते हो, पर आसान नहीं है। -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, रात के 2:30 बजे मैं काम कर रहा हूँ डेली, और मेरी हफ्ते में कोई 10 से 12 क्लासेस हैं। वालेकुम ख्वाचनवाज़ आटिया टेलीविज़न पर आपका मेज़बान तंजिम अफ़ी आपके खिदमत में इंफॉर्मेटिव के साथ ही हाजिर है। इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगे, शुक्रिया भाई, बहुत ज़्यादा व्यूज़ है। मैं हमेशा परेशान होता था, क्या जो वीडियोज़ मैं अपने दिल से बना रहा हूँ, मतलब घूमने फिरने खाने पीने जैसे ये हो गए ये हो गए, इसमें इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, इन वीडियोज़ में इतने व्यूज़ आ रहे, तो समझ में आया कि भाई एक ये हमारे जनरेशन की एक मतलब ज़रूरत है ये। तो इसी के एक सेकेंड पार्ट के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा कि भाई स्टूडेंट जॉब क्या क्या हो सकती हैं, किस किस तरह हो सकती हैं। तो इसको शुरू करते हैं। भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करता चलूं कि भाई मैं आपको हर काम के साथ उसकी इनकम बता दूंगा कि 1 घंटे में इसका इतना कमाया जा सकता है और इतने घंटे मैक्सिमम आप कर सकते हो। उसके अलावा मैं जिस तरह आप देख सकते हो अभी रिसेंटली बर्गर किंग में जॉब कर रहा हूँ, इस टाइम रात के 2:30 बज रहे हैं और टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस है, ठंड से फट के हाथ में आएंगे। तो इस पे डिटेल वीडियो आ जाएगी, अभी मेरा सेकंड वीक चल रहा है, जब मैं इसकी इनकम ले लूँगा तब इसकी एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। और इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये शेयर, बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे सवाल आ रहे थे कि भाई हम अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। अब मैं जो है पर्सनली पिछले हफ्ते मैंने 6 दिन काम किया, इस हफ्ते मैं 5 दिन काम करूँगा, और मेरी जॉब नाइट शिफ्ट होती है, रात 9 से सुबह 9 तक टाइम पर जितने बजे मैं काम ख़त्म करूँ मैं जा सकता हूँ, इनकम मुझे पर आवर्स के हिसाब से मिलती है। तो इस वो जिस काम बर्गर किंग की जॉब के बारे में डिटेल वीडियो आ जाएगी, हर काम के हिसाब से कोई ये काम करो तो इसकी ये इनकम है, इस काम की इनकम है। तो और जो मेरा काम है वो भी मैं बता दूंगा आपको आखिर में, ठीक है? पर जो मेरा ये सवाल था जो लोग कर रहे थे कि भाई हम अपनी इनकम निकाल सकते हैं, नहीं भाई बिल्कुल अपनी फ़ीस निकाल सकते हो, पर आसान नहीं है। -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, रात के 2:30 बजे मैं काम कर रहा हूँ डेली, और मेरी हफ्ते में कोई 10 से 12 क्लासेस हैं। मैं अपना टाइम टेबल ये लगा दूंगा, मेरा ग्रुप 255 है, आप आखिर में देख सकते हैं मेरी कितनी क्लासेस हैं, मैं कोई क्लास मिस नहीं करता और रात में शिफ्ट भी करता हूँ। जो मेरा कंप्रोमाइज़ मैंने अपना टाइम किया हुआ है वो यही है कि मेरा सोने का टाइम कंप्रोमाइज़ हुआ हुआ है, खाने पीने का मसाला चलते फिरते बाहर खा लेता हूँ, और उसके अलावा मोबाइल मेरा यूज़ नहीं है। लोगों के भाई मुझसे बड़ी शिकायतें आती है, आप रिप्लाई नहीं करे, तो भाई मेरे पास टाइम नहीं, सीरियस नहीं है कि मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँ। उसके बाद कितने कोई घटिया मैसेज आते हैं लोगों के, फिर दिल भी नहीं करता सुबह उनको रिप्लाई करने का। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं एक हफ़्ता डेली एक व्लॉग डालूं कि भाई रोज़ का एक वीडियो कि भाई इस तरह मैं अपना टाइम मैनेज कर रहा हूं, तो भाई 5 सब्सक्राइबर के बाद एक हफ्ते तक डेली वीडियोज़ आएगी, व्लॉग्स आएंगे, तो 5 सब्सक्राइब कराओ, उसके बाद आप मुझे आकर इंस्टाग्राम मैसेज करो कि भाई आप मैनेज करके देखें आप किस तरह अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो भाई जब स्टूडेंट यहाँ आता है तो उसको लैंग्वेज नहीं आती होती, तो उसको कोई बहुत से ज़्यादा कोई उसके पास ना चांस चॉइसेस है नहीं जॉब की, एक ये बर्गर किंग वाली जॉब भी है, पर ये लक पे डिपेंड करती है। एक सबसे अच्छी जो जॉब है वो डिलीवरी वाली जॉब है, जो मुझे भी बड़ी पसंद थी और अभी भी पसंद है, और उसमें सबसे अच्छी कमाई है। सो अगर मैं कम बात करूँ डिलीवरी वाली क्लब की जॉब की, तो भाई 190 रुपीज़ पर आवर गारंटेड हैं उसके, वो मैं आपको शो कर दूंगा। जैसे मैंने डिटेल वीडियो भी डाली हुई है, तब डिलीवरी क्लब के काम करता है, डिलीवरी क्लब वालों ने अपनी कंपनी येंडेक्स वालों को भेजती है, और येंडेक्स में छोटी छोटी बहुत कंपनियां, उनके ऐप डाउनलोड करो, फिर जिस कंपनी में रजिस्टर कराना चाहो, डिलीवरी क्लब में कराना चाहो, किस में कराना चाहो, डिलीवरी क्लब का मैं इनकम बता रहा हूँ 190 रुपीज़ गारंटेड है। और इसमें एक जादू वाला काम भी है, उसके लिए आपको लैंग्वेज कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिंपल मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करो, उसमें एक स्पेशल कंपनी है, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करो, और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कि आपने अभी काम ख़त्म किया अपना मनी विड्रॉल कर लो, कमाई ज़्यादा नहीं है पर आप एट अ टाइम उसी टाइम अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो। और अगर आप वो जादू वाली वीडियो देखना चाहते हो तो कंफर्म करो 1000 सब्सक्राइबर कराओ, वो वीडियो आ जाएगी, लिटरली जादू वाला काम है वो, मज़ेदार काम है, उसमें इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है पर फ़ौरन विड्रॉल आ जाता है। तो बेस्ट चॉइस डिलीवरी वाली जॉब है जो स्टूडेंट कर सकते हैं, उसके ज़्यादा लैंग्वेज नहीं चाहिए होती पर कुछ सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं, डिटेल वीडियो ये मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। उसके अलावा जो भाई एक ये पेपर थ्रो करने वाली जॉब है जो मैंने की, उसे मैंने ये वीडियो डाली थी कि मुझे अभी तक इनकम नहीं मिली, तो उसके बाद मुझे इनकम आ गई, तो मैंने शॉर्ट वीडियो एक डाला था यूट्यूब पे, आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, तो वो मुझे से 1200 मिले, और मैंने कुछ 6-7 हज़ार पेपर इस तरह के छोटे छोटे मैंने थ्रो किए थे, और गाली गलौज बड़ी सुननी पड़ती थी, पर एक ये काम भी है पर इसमें इनकम अच्छी नहीं है। उसके अलावा जो काम आता है इस तरह का, फॉक सॉरी
तो एक इस तरह का एक ये भाई लेबर वाला काम है, 2500, 2700, 2800, 1800 अलग अलग किस्म के काम, अलग अलग दिहाड़ियाँ। जो मैंने किया था ये 2200 रबल मुझे, 2000 रबल मुझे उसकी दिहाड़ी मिली थी, और मेरी फट के आदमी 4 दिन में हिलने के काबिल भी नहीं था। तो एक ये चॉइस भी है। इसके अलावा जो एक चॉइस और आती है वो है वेयर हाउस की जॉब। डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट वेयर हाउस हैं। अगर आप मेरे सिटी का ट्रेन वर्क में, तो मैं कॉन्टैक्ट शेयर कर सकता हूँ कि आपको ये जॉब मिल सके बिना लैंग्वेज के भी कर। तो एक ये वेयर हाउस है ओजोन वालों का, तो उसके अंदर हज़ारों किस्म की जॉब होती है, तो जिसमें आप रजिस्टर कराना चाहो कर सकते हो। उसकी जो चार्ज होते हैं 2200 रबल एक दिन की दिहाड़ी होती है, पर 180 रबल वो लोग अपना खाने का काटते हैं, आपको कोई 2020 रबल देने हैं। 12 घंटे की शिफ्ट होती है, सुबह 8 से रात 8। पर मुझे वो काम क्यों नहीं पसंद, कहने को 8 से 8 की शिफ्ट है, पर इनका जो बस है जो पिक करती है वो 6:30 बजे करती है स्टॉप से, और ड्रॉप 9:30 बजे करती है। तो आप 6:30 से 9:30 करो तो 15 घंटे का काम है। तो मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं बर्गर किंग पे ये जॉब कर रहा हूँ, तो इसके बारे में बताता हूँ आपको। पर इन सब जॉब पे जो मैंने जिस काम को एंजॉय किया तो वो था डिलीवरी वाली जॉब। और अभी इस सर्दियाँ -12 में हर जगह स्नो है, पर डिलीवरी वाली काम चल रहा है, लोग कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं 4-5, चूँकि अगर मैं वो काम नहीं करूँगा तो उनकी कंपनी मुझसे डबेशवा वापस ले लगी है, वो तो मैं वो देना नहीं चाहता। तो मैं अभी भी हफ्ते में एक दिन जाता हूँ, इस तरह मैंने वो कहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना टाइम मैनेज करके बताऊं और दिखाऊं कि मैं किस तरह करता हूं, तो भाई उस पर एक हफ्ते तक डेली वीडियोज़ आ जाएंगी, मैं दिखा दूंगा भाई मेरी वीक की ये रूटीन है, और उसके लिए 500 सब्सक्राइबर चाहिए। और बहुत से लोगों की याद है भाई एडमिशन्स पर डिटेल वीडियो बनाए, भाई एडमिशन कोई मुश्किल नहीं है, कोई वीडियो से ज़रूरत ही नहीं है भाई। यूनिवर्सिटी सिंपल, आप वेबसाइट्स अपनी विजिट करें जो उनकी अपनी वेबसाइट्स हो, उसमें सब कुछ लिखा होता है, उनके ईमेल्स कॉन्टैक्ट हर चीज़ उनसे कॉन्टैक्ट करो। और उसके अलावा भी आप चाहते हैं कि मैं मतलब से अपने वाइस रेक्टर हैं मेरी यूनिवर्सिटी के, उनके साथ बैठ के वीडियो बनाऊँ कि वो जिसने डिटेल आपको शेयर करें किस तरह एडमिशन कर सकते हैं बिना एजेंट किसी को पैसे दिए बगैर। तो भाई अगर मेरे सब्सक्राइबर इस काबिल हो ना, मैं दिखा सकूं कि भाई ये मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा चैनल है, और मैं इस तरह की वीडियो आपका बनाना चाहता हूँ, एक मज़ा भी है। वरना मैं अभी भी जाऊँ वो मना नहीं करेंगे, पर एक मुझे खुद थोड़ा सा बैड फील होगा। तो भाई 1000 सब्सक्राइबर इस तरह की वीडियोज़ भी आ सकती है अगर आप लोग की फरमाइश आए। तो अब आते हैं मेरी इस जॉब पर, क्या वाली जॉब पे मुझसे ये नहीं पूछे कि भाई आप कितना कमा रहे हो। मैं इतना बता दूं, जो मेरा जॉब है सिर्फ, मैं किचन के अंदर बैठा हूँ, रात 2:30 बजे टाइम है, ख़त्म हो जाए मेरी ब्रांच है ये, सिर्फ सुबह 10 से रात 10 बजे तक काम करती है, उसमें ऑफ होती है, तो मुझे सारी क्लिनिंग करनी पड़ती किचन की। तो इसमें डिफरेंट मशीन्स हैं, ये हैं, तो खैर इस पर एक अलग वीडियो बना दूँगा। और जो मेरी इसकी इनकम है 180 रूबल्स पर आवर है, और मेरा काम 12 घंटे का, फ्री मील है मुझे, 2 टाइम की मील मिलती है, वो सब इसकी डिटेल वीडियो में आपको दिखा दूंगा किस तरह की मील होती है क्या होता है। और इसके अंदर एक कुकिंग का काम है, उसके 160 रुबल जो है वो उसके पर आवर चार्जेस हैं। और इसके अलावा काउंटर का काम है, जो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलता, उसके लिए आपको परफेक्ट रशियन चाहिए होती है। कुछ लोग हैं मतलब उनकी रशियन बहुत अच्छी है, पर उनको भी नहीं मिलता, अच्छी एक रशियन चाहिए होती है। पर जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ मेरा क्लीनिंग का, पर अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो मैं काउंटर पर भी खड़ा हो जाता हूँ, मैं लोग गाइड करता हूँ, मैं कुकिंग की तरफ भी चला जाता हूँ। अगर लोग उस तरह नहीं होते, पूरे नहीं होते, तो अगर मैं जिस दिन छुट्टी करूँगा तो ऑब्वियसली मेरी जगह कोई कुकिंग वाला ही आके ये काम करेगा। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, सारा काम ये डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्टर कैसा है, आपके मैनेजर कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ के डायरेक्टर भी बहुत अच्छी है, मैनेजर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव हैं। मुझे रशियन एक अच्छी तक आ गई है, पर कुछ बार मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मेरे लिए ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, मतलब दे आर वेरी नाइस टू मी। तो भाई इस तरह के बहुत ज़्यादा कोई चांसेस नहीं होते। हाँ, लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे भाई हम गाड़ी यहाँ के ले उसमें काम करें, तो मैं आपको ऐसी कोई एडवाइस नहीं करूँगा। गाड़ी ले सकते हो, काम कर सकते हो, पर यहाँ का लाइसेंस चाहिए। लोग कह रहे थे पाकिस्तान लाइसेंस चल जाएगा ये वो, भाई पाकिस्तान में राइट हैंड ड्राइव, यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव, वो एक सवाल नहीं पैदा होता। आप चलो इंटरनेशनल लाइसेंस हो उसको आप रशियन में ट्रांसलेट करा दोगे, वो आगे जा के आपको मसले आएंगे, तो उस पर चलो आप करा भी लेते हो, मैं क्यों नहीं एडवाइस करूँगा, क्योंकि आप यहाँ के गाड़ी ले लेते हो, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप रुल जाओगे। मैंने अपनी साइकिल, मेरी जब पहली दफ़ा पंचर हुई थी, मैंने 400 रबल का पंचर डलवाया था। उसके जवाब जब मुझे पता चला कि भाई 200 रबल की तो नई ट्यूब आती है, और मैंने 400 रबल का पंचर डलवाया था, मकैनिक पे इंतहा हराम, आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, आप रुल जाओगे आप गाड़ी लेके। तो इसलिए मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा, आओ खुद यहाँ कमाओ, फिर उस पैसों से गाड़ी लो, तब तक आपको यहाँ की लैंग्वेज की, यहाँ के कल्चर की भी नो हाउ हो जाएगी। ये आपको मेरी एडवाइस है। तो खैर इस वीडियो को अभी मैं अपना काम ख़त्म करूँगा, और आपको सुबह जब मैं बाहर निकलूँगा तब जाके एंड करूँगा, आपको दिखाऊँगा सुबह क्या मंज़र है, कितनी कोई बर्फ़ है, क्या टेम्परेचर, किस तरह है।
100 ख्वातीन हजरात काम पूरा करके मैं निकल चुका हूँ। टेम्परेचर कोई -18 डिग्री के करीब है और मेरे पीछे ये स्नो आप देख सकते हैं, स्नोफॉल हो नहीं रही पर ठीक ठाक बर्फ़ मौजूद है। सो भाई लोगों का एक ये डाउट होगा क्या शायद डिलीवरी वाला काम करना मुश्किल है सर्दियों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो लगाया था, मैं भी बर्फ़बारी के अंदर डिलीवरी कर रहा था, लोग साइकिलों पर भी कर रहे हैं, मैं पैदल कर रहा था, मैंने इसी तरह अपना कवर किया था, पैदल कर रहा था। 190 रबल तो गारंटिड है पर आवर डिलीवरी वाले जॉब के, उसके अलावा सर्दियों में थोड़े चार्जेस और बढ़े हैं कि मैंने अच्छा कमाया। खैर उस सब पर डिटेल वीडियो मौजूद है। इसके अलावा जो मैंने जादू वाले डिलीवरी वाले काम का जिक्र किया उससे भाई मेरा अकाउंट बना हुआ उस अकाउंट पे, अब मैं कल इनफैक्ट क्योंकि मेरे पास कैश अभी नहीं है तो उसी काम पे जाऊंगा। उसके लिए डिटेल वीडियो चाहते हैं तो भाई 1000 से अब आ जाएगी। मस्ट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।